तो फ्रेंड ये लीजिए, अब मैं ग्वालियर का फेमस किला घूम के आ चुका हूँ और ये मेरा वीडियो का दूसरा पार्ट है और इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड। यहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी फूड है और मज़े आएंगे आपको इस वीडियो में। काफ़ी अच्छा अच्छा फूड देखने के लिए मिलेगा, जो लोकल स्ट्रीट फूड मैंने काफ़ी देखा यहाँ पर और मैं उसे खाने वाला हूँ और टेस्ट भी आपको बताने वाला हूँ। सिंदई की छावनी चिड़ियाघर के सामने अभी हम हैं। तो फ्रेंड चलिए, एक नान की प्लेट, एक छोले की प्लेट, छोले भटूरे प्लेट लगा देना, एक नान की, एक छोले भटूरे की। हाँ, यहाँ से मैंने एक नान की प्लेट, एक छोले भटूरे की प्लेट लेने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मेरे छोले भटूरे तैयार हो रहे हैं, आप देख रहे हो। ये हमारी छोले भटूरे की प्लेट, जिसमें कि ये छोले दिए गए हैं वो बड़ी भी डली है इसमें, और ये रायता दिया गया है अब देखते हो, और ये प्याज और इसके ऊपर थोड़ा अचार, और ये हमारे भटूरे बड़े बड़े जो कि ताज़ी ताज़ी सूखे। ये रही हमारी नान की प्लेट, नान की प्लेट में आप देख सकते हो ये छोले की सब्ज़ी दिए गए, ये रायता, और ये पनीर की सब्ज़ी है, मटर पनीर की सब्ज़ी, और ये हमारी नान। अब इसको खा के ट्राई करेंगे फिर बताएंगे आपको स्वाद इसका, नान कैसी सूखी हुई है और सब्ज़ी का स्वाद कैसा है। अब हमने जस्ट अपना ये जो हमने प्लेट लगवाई है उसे खाना स्टार्ट कर दिया है, और सबसे पहले छोले से खाता हूँ। नान का भी स्वाद बहुत बढ़िया है, नान सही है। और फ्रेंड भेजा रहा है सिंधिया जी को, नान तो बढ़िया अच्छी लगी है, अच्छा बता रहे हैं, छोले भी बहुत बढ़िया लगे हैं, और छोले की सब्ज़ी भी अच्छी है, मिर्ची का चार भी दिया गया है साथ में। भटूरे एकदम सॉफ्ट हैं, रायता भी मस्त है। बना आपको कैसा लगा? काफ़ी टेस्टी है, मज़ा आ गया कुछ भी क्या। बिना राय को अच्छा लगा, बेजरा संजय को मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और नान काफ़ी टेस्टी, मज़े आ गए। ले लीजिए अभी वहाँ से हमने टेस्टी टेस्टी नान और छोले भटूरे खाने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पर पहुँच चुके हैं, जो कि है अवध फूड शॉप है त्रायपरी चिड़ियाघर के सामने। ये शॉप है बेस कबाब पराठा देते हैं, तो मैं यहाँ से यहाँ का पराठा ट्राई करने वाला हूँ, और काफ़ी फेमस है यहाँ का, मैंने गूगल पर डाला था ग्वालियर पराठा, तो यहाँ पर यहाँ की लोकेशन आई थी। तो फ्रेंड देखते हैं लोकेशन किस वजह से यहाँ की लोकेशन दी गई थी, शायद जरूर फेमस होगा यही लोकेशन यहाँ की आई है, तो मैं यहाँ से जस्ट पराठा खाने वाला हूँ। तो फ्रेंड ये सबसे पहले तवे पर आप देख लो कबाब लिए गए हैं, कबाब पराठा बनने वाला है। फ्रेंड्स पराठा आप देख सकते हो कैसे सेका जा रहा है, एक उल्टी कढ़ाई है, मतलब उल्टी कढ़ाई का तवा है, उस पर सेका जा रहा है, और ये इसके ऊपर से ढेर सारा घी है ना, ये भैया घी है, घी लगा रहे हैं इसके ऊपर से, और फ्रेंड्स इसके ऊपर से पराठे के ऊपर से ढेर सारा घी, और ये सेकने की स्टाइल। Thank you.
तो फ्रेंड्स अब इसके ऊपर से मक्खन लगाया जाएगा। अभी भी ये तवे से नीचे आया है उतर के, अब ये मक्खन लगाया जा रहा है इस पर ढेर सारा। और ये गया प्लेट में, अब प्लेट में। तो फ्रेंड्स ये मेरी प्लेट बन के तैयार है, एक प्लेट बन के तैयार है और एक और तैयार हो रही है। तो आप देख सकते हो ये पराठा है, ये कबाब है, कबाब दिया गया है, और ये ग्रीन चिली, और ये सलाद, क्योंकि प्याज का है उसको सलाद के ऊपर से थोड़ा मसाला डाला गया है। और इसका टेस्ट कैसा है अभी हम ट्राई करेंगे, खाएंगे जब। अभी एक और प्लेट तैयार हो जाए तो हम खाना स्टार्ट करेंगे। सबने ही पराठा ले लिया फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको बता दूँ, ये पराठा मैं पहली बार खा के ट्राई करने वाला हूँ, इससे पहले मैंने कभी कबाब पराठा नहीं खाया। और जिसके साथ में कबाब दिया गया है, ग्रीन चिली और प्याज दी गई है, मुझे लगता है ये पराठा कबाब के साथ खाते होंगे, इसे हम लेते होंगे। तो ये कबाब में, मतलब कबाब लो पराठे में अच्छी तरह से, और एक और बार जब पराठे को अच्छी तरह से पहले घी में, प्याज लो घी में सेका गया था, उसके साथ में प्याज लो और ग्रीन चटनी, और बाइट लो प्यारी सी और टेस्टी सी बाइट। स्वाद है इसमें, कबाब में कबाब है, बहुत बढ़िया टीम लग रही है। और फ्रेंड बिजरा सिंधे जी कह रहे हैं कबाब है उसमें काफ़ी स्वाद है, पराठे के साथ खा रहे हैं तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, मज़ेदार है, एकदम आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप, और बिना भाई ने एक लिया है लस्सी का गिलास, और लस्सी आप देख सकते हो लस्सी का गिलास, और बिना भाई मजे आ गए, बिना भाई को मस्त लगी। महाकालेश्वर लस्सी भंडार, चाट पर बजरा संध्या जी गोलगप्पे का मजा लेने वाले हैं यहाँ के, तुम खाओ। बोलो पानी का सवाल भी सही है इसका, ये टिक्की वाला भी अपने ग्वालियर का है, संध्या जी जावनी कल्लाजीपुरे में रहता है ये, और मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। अब मैं इसकी टिक्की टेस्ट कर रहा हूँ, ये चिड़िया करके सामने लगाता है, ये पानी भी इसका अच्छा है। गर्मी है उतनी नहीं है जैसे पहले थी गर्मी, अब थोड़ा क्या है ठंडा मौसम है ज़रा। अभी मैंने यहाँ पे आपको लोकल स्ट्रीट फूड दिखाया, जिसमें मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टेस्टी सी खाना मिला मुझे खाने के लिए, वहाँ पे टेस्टी टेस्टी नान मिली, फिर उसके बाद टेस्टी भटूरे, तो कबाब पराठे की तो बात ही, कबाब पराठा खाने में तो एकदम झकास, और फिर यहाँ से लस्सी का मज़ा लिया बिना भाई ने, और बेजरा संध्या जी ने टिक्की का मज़ा लिया। मैंने पानी की, पानी बड़ा मस्त है, अब हम जा रहे हैं चौपाटी पे माँ देखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ आने की काफ़ी मशहूर जगह है, वो है यहाँ की फेमस चौपाटी। चौपाटी का मतलब आप सोच ही सकते हो, काफ़ी ढेर सारा फूड, ढेर सारा, तो वहाँ पे जो भी फूड मिल रहा है चौपाटी में ग्वालियर में मिलता है, वहाँ पर सब दिखाने वाला हूँ और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। कभी भी आप ग्वालियर आओ तो चौपाटी का खाना भूलना, खाना तो बिल्कुल ना भूलना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो चौपाटी पर बनने वाली है और आपको काफ़ी मज़े आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक शेयर, और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आपके लाते रहेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बाय।